नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिदांस मॉम गार्डन। तो दोस्तों, ये मेरा अडेनियम का प्लांट है और इसमें काफ़ी मात्रा में बर्ड्स और फ्लावरिंग हुई थी और एक बाय एक सब फ्लावर्स झड़ गए और बर्ड्स भी सारे झड़ गए और ये लीव्स भी सारे लीव्स भी एक बाय एक झड़ने लगे। तो मैं सोची कि इधर हमारे एरिया में 2-3 दिन खूब बारिश हुई है, हो सकता है ज़्यादा पानी की एक्सेसिव वाटर की वजह से ये एडेनियम का प्लांट मेरा ख़राब हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, इसमें जो है ये सकिंग पेस्ट अटैक किया है। इसमें देखिए, मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, इसमें कितना ज़्यादा ये पेस्ट अटैक किया है। इस वजह से ये मेरा सारा प्लांट जो है ख़राब हो रहा था और इसके फ्लावर सब इस तरीके से गल जा रहे थे। देखिए, इस तरीके से गल जा रहे थे। तो दोस्तों, इसको कैसे ठीक करें, इसको कैसे क्योर करें? एक तो आप अगर किचन में जो हल्दी होता है उससे भी आप इसको कर सकते हैं। हल्दी का पेस्ट बना के आप अपने प्लांट्स में पूरा छिड़क दीजिए और मिट्टी में भी लगा दीजिए तो ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और जो इंस्टेंट जो रिलीफ है उसके लिए हम नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का नीम ऑयल ले लीजिए, ये मैंने डाबर का लिया है, किसी भी कंपनी का नीम ऑयल ले लीजिए और 1 लीटर पानी में इसका एक ढक्कन नीम ऑयल ले लीजिए, ये नीम ऑयल ले लीजिए और एक ढक्कन कोई भी हैंड वॉश हो या शैम्पू, कोई भी लिक्विड हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में दोस्तों मैं एक ढक्कन मिक्स कर दे रही हूँ और इतना ही आप कोई भी शैम्पू या कोई भी हैंड वॉश आप ले लीजिए। और दोस्तों, ये लिक्विड लेने का मतलब ये होता है कि नीम ऑयल जो है पानी में अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे, शैम्पू हैंड वॉश या कुछ भी नहीं मिलाएंगे तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, ऐसे ही ऊपर पानी में अलग से रहेगा, तो अच्छे से स्प्रे आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये अच्छे से हो गया। अब हम कोई भी स्प्रे बॉटल में इसको फिल कर लेंगे। आप इस तरीके से अपने पूरे प्लांट में स्प्रे कर दीजिए और जहाँ इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे भी स्प्रे कर दीजिए। और सबसे बेस्ट है कि आप एक कॉटन ले लीजिए और इसको इसमें भिगो लीजिए और ये जहाँ जहाँ ये पेस्ट लगे हैं वहाँ पे आप इस तरीके से पोंछ लीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें इस कॉटन में सारे इसमें आ गए हैं और आप इसको डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। अगर स्प्रे करने से ये है कि पूरा नहीं ख़त्म होता है, 1-2 झड़ जाते हैं और फिर मिट्टी में होगा, फिर से वो ग्रो होने के चांसेस होते हैं, या अगर दूसरे प्लांट्स में लग गए तो फिर दूसरा प्लांट्स भी ख़राब हो सकता है। तो मैं कॉटन से ही इन्फेक्टेड एरिया में इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से हम अपने अडेनियम को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, पीछे थोड़ा सा नॉइज़ था, घर बन रहा है बगल में तो इसलिए थोड़ा नॉइज़ है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे आगे मुलाकात होती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।